हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा इस हालत में बाहर निकला कि आपका हाथ मुबारक मेरे हाथ में था और मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक शिकस्ता हाल और परेशान शख्स के पास से हुआ, यानी बहुत ही तकलीफ में था वो शख्स। आपने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी है, तंगदस्ती है, उसकी वजह से ये हाल हो गया है। अब देखें कि बीमारी बजाते खुद भी एक तकलीफ दे चीज़ है, और कहाँ ये कि उस पर इंसान के पास इलाज के पैसे भी ना हो, तो फिर हाल क्या हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझे ऐसे कलिमात न बताऊं जिनके पढ़ने से तेरी बीमारी और तंगदस्ती दूर हो जाएगी? तो उसने अर्ज की, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रूर वो कलिमात आप सिखा दीजिए। तो आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। तर्जुमा क्या है? मेरा भरोसा उस जात पर है जो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। तमाम तारीफें उसी अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया। उसकी बादशाही में न कोई शरीक है और न कोई आजजी की वजह से उसका मददगार है। और उसकी खूब बड़ाई बयान करो, वकब्बिरहु तकबीरा। उस शख्स ने इस वजीफे को या इस जिक्र को अपना मामूल बना लिया। तो कहते हैं कि उस शख्स की बीमारी जाती रही, गुर्बत जाती रही, और उसकी बजाय उसको खुशहाली नसीब हुई। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो भी सुन रहे थे इस कलमे को, तो उन्होंने भी सुनकर इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारा हाल बहुत अच्छा हो रहा है, तो कहने लगे कि लम अज़ल अकूलुल कलिमात अल्लती अल्लमतनी, कि मैं मुसलसल वो कलिमात पढ़ता हूँ जो आपने मुझको सिखाए हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन